हेलो आर्टिस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा जो पार्ट टू वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम गणेश जी के इस स्केच में कंप्लीट कलरिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर डोम्स का ऑयल पेस्टल का सेट यूज कर रही हूँ। यानी कि हम यहाँ पर आज काफी लिमिटेड कलर से एक काफी अच्छा कलर स्केच बनाने वाले हैं। तो अगर आपने इसकी आउटलाइन नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसके आउटलाइन पोर्शन से आउटलाइन बना सकते हैं। और अभी के लिए हम शार्प कर लेते हैं अपने सभी कलर्स को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हमारे कलर्स को कम्प्लीटली शार्प करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कलरिंग। तो यहाँ पर जो भी कलर मैं यूज कर रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर डार्क और लाइट कलर के प्रेशर को मैनेज करते हुए कलर्स को यूज करना है। अब यहाँ पर स्किन में ब्लूइश शेड लाने के लिए हम थोड़ा सा ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, बट उसे हमें काफी लाइटली यहाँ पर यूज करना है। अभी यहाँ पर कंप्लीट शेडिंग के ऊपर अच्छे से व्हाइट कलर यहाँ पर शेड करते हुए हम कॉटन बर्ड से इसे काफी स्लोली ब्लेंड कर लेंगे। और व्हाइट कलर यहाँ पर आपको सभी एरियाज में काफी अच्छे से यूज करना है, बिना किसी एरिया को मिस किए हुए। जो भी कलर्स हमने यहाँ पर फेस पार्ट को शेडिंग के लिए यूज किए हैं, सेम कलर्स से हम यहाँ पर दोनों ईयर्स और साथ ही साथ में नेक और बॉडी पार्ट की भी शेडिंग करेंगे। सो हमारे कलर सेम होने वाले हैं, सिर्फ एरियाज डिफरेंट है। Oh,
चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे अभी यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज करके कुछ फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ और इसी तरह से हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। आपको ये स्केच कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।